हाँ, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CN1 में। अभी अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। खुशखबरी यह क्या है तो हम लोग देख रहे हैं कि जो PGT जो शिक्षकों का जो रिजल्ट आया था उसमें नियुक्ति से संबंधित जो आपका ये एक ईमेल है वो जारी किया गया, मतलब नियुक्ति से संबंधित निर्देश जारी कर दिया गया है। तो हम लोग आइए देखते हैं क्या है ये पूरा डिटेल्स। तो इससे पहले आपसे वो कहना चाहते हैं कि जो जो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए वो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे जरूर लाइक करें क्योंकि हम आपके लाइक के लिए ही वीडियो बनाते हैं। चलिए देखते हैं ये ईमेल क्या है। थोड़ा सा धुंधला है, हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में आया था। चलिए देखते हैं इसको क्या है। तो मैं आपको पूरा स्पष्ट कर देता हूँ, हालांकि ये आपको थोड़ा धुंधला आ रहा है लेकिन मैं इसको आपको बोल के पूरा स्पष्ट कर देता हूँ। चलिए तो सुनते हैं ये क्या है। तो ये निकाला है आपका झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा, यह निकाला गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। अच्छा, इसमें क्या है तो ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा झारखंड रांची द्वारा निकाले हैं, और ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक निर्देश दिया गया, उनको बताया गया है उनके नाम से। ये है कि झारखंड राज्य अंतर्गत +2 विद्यालयों में नवनियुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक या शिक्षिकाओं PGT का नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु उपस्थिति के संबंध में, तो उनको यह निर्देश दिया गया है, उनको यह बताया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि आप, उनको एक डेट दिया गया है 8/12/2018 दिन शनिवार, उनको बुलाया गया है आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और बताया गया कि आप आकर अपने जिले से संबंधित जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका सर उनका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब ले जाएं यहाँ से उपस्थित होकर, और उनको 10 तारीख को आप बुलाएं अपने वहाँ पे कार्यालय में। 10 तारीख को किनको, तो जो जो पास हो गए हैं PGT शिक्षक या शिक्षिका उनको अपने यहाँ बुलाएं कार्यालय में। तो कौन बुलाएंगे, तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी उनको बुलाएंगे। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 8 तारीख को बुलाया गया है रांची आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, वहाँ से वो सब लेटर प्राप्त करेंगे और अपने अपने जिलों में जाएंगे। वहाँ वो 10 तारीख को दूरभाष से सभी से संपर्क करेंगे, सभी PGT शिक्षक शिक्षिकाओं को, और उनको अपने यहाँ बुलाएंगे और उनको नियुक्ति पत्र देंगे हस्ताक्षर करवा के। उसके बाद इनको 15/12/2018 तक नियुक्त कर उन्हें अपना नियुक्ति योगदान देना है इन शिक्षकों को। कब, तो 15 दिसंबर तक इनको योगदान दे देना है। जो जो भी पास हो गए हैं आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको 10 दिसंबर को तक आपको फोन आएगा, 10 दिसंबर को आपको अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाना है, वहाँ अपना नियुक्ति पत्र लेना है हस्ताक्षर करके, और आपको 15 तारीख तक आपको ज्वाइन कर लेना है। और इसमें कहा गया है कि अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी कारणवश 8 तारीख को नहीं पहुँच पाते हैं तो वो अपना ऑथराइज सिग्नेचर लेटर देकर किन्हीं सक्षम पदाधिकारी को यहाँ भेजेंगे, कहाँ तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा झारखंड रांची को भेजेंगे अपने जगह पे किसी को, और वो यहाँ से नियुक्ति प्रदान करेंगे और जाके वहाँ पे वो 10 तारीख को उसको बांटना है और 15 तारीख को इसको नियुक्ति करना है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आप लोगों का नियुक्ति पत्र आ चुका है, आपको 10 तारीख को मिल जाएगा अपने अपने जिलों में। आप तैयार हैं, आपको कॉल आने वाला है, आपको हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दिनों से सबको बेसब्री से इंतजार था इसका, देखिए काफ़ी इसमें थोड़ा सा दिक्कत भी हुआ लोगों का, BEd को अपना जो उनका जो BEd की NCT से मान्यता प्राप्त है कि नहीं कॉलेज, उनको भी लेकर लोगों को काफ़ी दौड़ना पड़ा, घूमना पड़ा, लेकिन अंततः हम लोग देख रहे हैं कि जो नियुक्ति से संबंधित निर्देश है वो जारी कर दिया गया है, और आपको ये 10 तारीख को ये नियुक्ति पत्र आपको जिले में जाके अपना हस्ताक्षर करके ये मिल जाएगा। चलिए सबों को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।